गजा और लबनान में फौरी और गैर मशरूत जंग बंदी की जाए। मुस्लिम ममालिक का इसराइल को लगाम टालने का मुतालबा। दुनिया फलस्तीनियों की नस्ल कुशी रुकवाए। अक्वामे मुत्तहिदा इसराइल को इश्तियाल अंगेज पॉलिसी से रोकने के लिए इकदाम करे। इसराइल को हथियारों की बरामदात रोक कर तरसील पर पाबंदी लगाई जाए। सलामती काउंसिल में इसराइली रुकनियत को मुअत्तल करने के लिए आलमी बिरादरी को आमादा किया जाए। रियाद में अरब इस्लामी गैर मामूली सरबराह इजलास का ऐलामिया जारी। फलस्तीनी रियासत से मुतालिक आगाही मुहिम चलाने पर जोर। इसराइल जारहिद की तमाम हदें पार कर चुका, अब मजम्मतों से आगे बढ़कर ठोस लाहे अमल बनाना होगा। कॉन्फ्रेंस में उठने वाली आवाजों को अमली शक्ल देना होगी। इसराइल को हथियारों की फराहमी पर पाबंदी आयद की जाए। अक्वामे मुत्तहिदा में इसराइली रुकनियत का दोबारा जायजा लिया जाए। सिहूनी रियासत पर जंगी जराइम का मुकदमा चलाया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सरबराही इजलास से खिताब, कहा भूख इफलास और कहत ने गजा में डेरे डाल रखे हैं। फलस्तीन में इमदादी सामान की फराहमी को यकीनी बनाना होगा। सऊदी वली अहद का गजा में इसराइली जारहियत रोकने का मुतालबा। मोहम्मद बिन सलमान की फलस्तीन, लबनान और ईरान पर हमलों की मजम्मत। सरबराही इजलास से इफ्तिताही खिताब में कहा अब तक हजारों मासूम शहीद हो चुके, मसला फौरी तौर पर हल किया जाए। आलमी बिरादरी को अमन इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा करना होगा। इसराइली हमलों ने लबनान की सालमियत को खतरे में डाल दिया। यकीनी बनाना होगा इसराइल दोबारा ईरानी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी न करे। खुद मुख्तार फलस्तीनी रियासत के क्याम की मुकम्मल हिमायत। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास का इमदाद की तरसील और अक्वामे मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल पर जोर, कहा रोजाना मासूम बच्चों की नस्ल कुशी हो रही है, सिलसिला बंद होना चाहिए। तुर्क सदर ने कहा इसराइल पर इक्तिसादी पाबंदियां लगा दी, जारहियत ना रुकी तो पाबंदियों का दायरा बढ़ाएंगे, जंग पूरे खित्ते में फैल सकती है। लिबरानी वज़ीर आज़म नजीम एकाती का इसराइली जारहियत फौरी तौर पर बंद करने का मुतालबा। ईरानी नायब सदर ने कहा खामोशी की वजह से फलस्तीन और लिबरान में नस्ल कुशी जारी। इसराइली मजालिम काबिल मजम्मत हैं। अरब इस्लामी समिट से कतर, मिस्र, उर्दन, मलेशिया और दीगर ममालिक के सरबराहान का भी खिताब, मसला फलस्तीन को उजागर किया। रियाद में वज़ीर आज़म से मुस्लिम वर्ल्ड लीग के सेक्रेटरी जनरल की मुलाकात। मुस्लिम उम्मा के दरमियान ताल्लुकात की मजबूती के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। तआवुन जारी रखने का इरादा। शहबाज शरीफ दौरा सऊदी अरब मुकम्मल करके पाकु रवाना हो गए। कराची में चीनी बाशिंदों पर खुदकुश हमला, मास्टरमाइंड गिरफ्तार। पुलिस ने गुल निसा नामी खातून समेत दो मुलजिमान को धर लिया। मास्टरमाइंड जावेद ने एयरपोर्ट से फोन करके चीनी शहरियों के आने की इतला दी। बम दानिश ने नस्ब किया। खुदकुश बम्बार की शनाख्त शाहफहद उर्फ आफ्ताब के नाम से हुई। सहूलतकारी में रिक्शा ड्राइवर, बैंक मुलाजिम भी शामिल। वजीर दाखिला सिंध की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा गाड़ी कराची से 71 लाख में खरीदी गई, रकम हब से निजी बैंक के जरिए मुंतकिल हुई। दहशत गर्दों ने गाड़ी मुंतकली के लिए खातून को इस्तेमाल किया। 32 से 40 किलो धमाका खेज मवाद गाड़ी के दरवाजे में नस्ब था। जियाल अंजार की पुलिस पार्टी के लिए 5 करोड़ इनाम का ऐलान। ताल्लुकात खराब करने की कोशिशें नाकाम होंगी, दहशतगर्द अपने किए की कीमत चुकाएंगे। पाकिस्तान में चीनी शहरियों की सिक्योरिटी पर वजारत खारिजा का अहम बयान, कहा पाकिस्तान और चीन दहशतगर्दों को सबक सिखाने का अज़्म और काबिलियत रखते हैं। इंसदादे दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान की मदद जारी रखने का ऐलान। पंजाब में स्मोक की बिगड़ती सूरत हाल, लाहौर और दीगर शहरों की फजा आलूदा। 4 जिला में पाबंदियां मजीद सख्त। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान में मार्केटें और मॉल्स रात 8 बजे बंद। रेस्टोरेंट्स की आउटडोर डाइनिंग ममनू। आउटडोर फेस्टिवल्स और कॉन्सर्ट्स पर भी पाबंदी आयद। फार्मेसीज, मेडिकल स्टोर्स, लेबॉरेटरीज और बेकरीज को इस्तेमाल होगा। बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स, ग्रोसरी एरिया खोल सकेंगे। इतलाक 17 नवम्बर तक होगा। स्मोक और धुंध के बाइस मुख्तलिफ मकामात पर मोटरवे बंद। लाहौर हाई कोर्ट का स्मॉग पर हुकूमती इदारों की रिपोर्ट्स पर अदम एतमाद। एडवोकेट जनरल की अदम मौजूदगी पर इजहार बरहमी किया। इस तरह से क्या हुकूमत मामले को संजीदा ले रही है? 2 साल से अहकाम दे रहे हैं, क्या महकमा ट्रांसपोर्ट सोया हुआ था?
बस स्टैंड पर गाड़ियों को चेक करने का तरीका कार क्या है? एक्टिंग चीफ सेक्रेटरी कहाँ है? ये सुबह चल कैसे रहा है? जस्टिस शाहिद करीब के रिमार्क्स, एडवोकेट जनरल की अदम मौजूदगी का मतलब स्मोक कंट्रोल में नाकामी नहीं। मरियम औरंगजेब का रद्द अमल, कहा 8 मार्च से स्मोक के खात्मे के लिए काम कर रहे हैं, मसले को मिलकर हल करना होगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से ऑस्ट्रेलवी हमनसब लेफ्टिनेंट जनरल साइमन स्टुअर्ट की मुलाकात, इलाकाई आलमी अमन दिफा और सलामती के लिए तआवुन मजीद मजबूत बनाने का अज़्म, सिपाही सालार का मुश्तरक अहदाफ के लिए मजबूत और तरफा ताल्लुकात की अहमियत पर जोर, ऑस्ट्रेलवी आर्मी चीफ दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कामयाबियों के मोतरिफ। जब तक आईनी बेंच नहीं बैठेगा तो क्या हम गैर आईनी है? सुप्रीम कोर्ट में टैक्स से मुतालिक केस की समाअत के दौरान आईनी बेंच का तस्करा, जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए। बार बार ये सवाल सामने आ रहा है कि केस आईनी बेंच सुनेगा या रेगुलर बेंच। इस केस को सुन भी ले तो कोई हमें पूछ नहीं सकता, अगर हम खुद फैसला कर देते हैं तो हमें कौन रोकने वाला है? नजरसानी भी हमारे पास आएगी तो कह देंगे ये हमारा दायरा इख्तियार है। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी इसका फैसला करेगी, केस को मुलतवी कर देते हैं। आईनी बेंच को फॉल बनाने के लिए अहम बैठक, सरबराह आईनी बेंच की रजिस्ट्रार और इंतजामी अफसरान के साथ मुलाकात, जस्टिस अमीरुद्दीन ने मुकदमात की दर्जाबंदी की हिदायत कर दी, मुकदमात को मुकर्रर करने का फैसला सरबराह आईनी बेंच दो सीनियर जजेस से मिलकर करेंगे। आईएमएफ मिशन और हुकूमती मौशी टीम की आज मुलाकात शेड्यूल, मौसमियाती खतरात से निपटने के लिए मजीद 1 अरब डॉलर की फाइनेंसिंग पर बातचीत मुतवक्के, टैक्स शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए मुमकिन मिनी बजट, बैरूनी माली जरूरियात के लिए इकदाम और जरिए आमदन पर टैक्स वसूली में पेशरफ से आगाह किया जाएगा। रबा साल 1,79,210 पाकिस्तानी फ्रीजा हज की सआदत हासिल कर सकेंगे, हज पॉलिसी 2025 का ऐलान, सरकारी निजी स्कीम के तहत कोटा 50-50%, 12 साल से कम उम्र बच्चों को हज की इजाजत नहीं होगी, विफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर चौधरी सालिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सरकारी स्कीम के तहत अखराजात 11,75,000 तक होंगे, दरख्वास्तें 18 नवंबर से वसूल की जाएंगी। कच्चे के इलाके में तैनात पुलिस अफसरान करप्ट है, पीपल्स पार्टी रुकन मुमताज चंग की पंजाब असेंबली में गरज परस, कहा हुकूमत सादिकाबाद और मुल्हका इलाकों में चराई पर काबू पाना नहीं चाहती तो वाजे कर दे, बदुनवान अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई न करने पर मुस्ताफी होने की धमकी। समय दुनिया भर में निमोनिया से बचाव के लिए आगाही का दिन, मुसलसल बुखार खांसी सीने में दर्द बीमारी की अलामत, पाकिस्तान में निमोनिया के 15 लाख सालाना केसेस, 5 साल से कम उम्र बच्चे ज्यादा शिकार, बरवक्त तशखीस से निमोनिया से बचाव मुमकिन। शिमाली गजा में इसराइली फौज की दहशतगर्दी, नसीरात में बेघर अफराद पर गोलाबारी, 11 फलस्तीनी शहीद, जबालिया और रफा पर भी हमले, 24 घंटों में 30 शहादतें, तादाद 43,630 हो गई, अल कसम ब्रिगेड का जवाबी वार, 5 इसराइली फौजी हलाक। लेबनान में बेगुनाहों की नस्ल कुशी जारी, वादी सौर पर फिर बमबारी, वादी बेका और बेरूत पर भी हमले, 24 घंटे में 40 शहादतें, हिजबुल्ला ने इसराइली इलाकों पर 50 से ज्यादा रॉकेट दाग दिए, तेल अवीव के मजाफात में आग भड़क उठी। चैंपियंस ट्रॉफी पर जीरो टॉलरेंस, हुकूमत की पीसीबी को सख्त मौकिफ अपनाने की हिदायत, -1 फॉर्मूले के तहत भारत की जगह दूसरे मुल्क को बुलाने की तजवीज, मुतबादल टीम के लिए आईसीसी और दीगर बोर्ड से राबिते का मशवरा, भारत इनकार की ठोस वजूहत बताए, पीसीबी जल्द ही आईसीसी को खत लिखेगा, बोर्ड की कानूनी मुशावरत भी मुकम्मल। ब्राजील में काइट बोर्डिंग वर्ल्ड कप का मेला बिग एयर इवेंट में शुरका के शानदार करतब, मर्दों के इवेंट में जूस्ट और खातिन में ब्रुडल ने मैदान मार लिया। कराची में फैशन के रंग दीदा से मलबूसात की नुमाइश, मशरक और मगरब का हसीन इम्तिजाज मरकज निगाह, रंगों की बहार में मॉडल्स की रैंप पर वॉक, शुरका की भरपूर पसीराई, मौसीकी का भी तड़का।